नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेटर था, कंपाइलर। कंपाइलर का भी क्या काम था, वो भी ट्रांसलेटर की तरह ही काम करता था। बट क्या बेनिफिट था इसमें, ये पूरे प्रोग्राम को वन टाइम रीड करता था और उसकी प्रॉब्लम जो थे वो एरर जो है वो वैनिश करके सॉल्व करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता था। तो हमारे पास थ्री टाइप्स के ट्रांसलेटर आ गए, असेंबलर। सो स्टूडेंट, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द कंप्यूटर वर्क। ओके, तो ये नीचे रिकैप दिया हुआ है, आप इसे रीड कीजिएगा। होप सो आपने अपना लेक्चर जो है इंजॉय किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एंड मैं आपको बैक एक्सरसाइज की क्लिक शेयर करूँगी, देन यू हैव टू डू टुडे। ओके, एंड कंप्लीट इट, आई विल शेयर आंसर ऑल्सो, देन बाय।